उनकी बात भी सुनना जरूरी है जी। सलाम अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? मैं चकवाल से बात कर रही हूँ, रिजवाना। जी रिजवाना, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सब आप कैसी हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका माशाल्लाह। थैंक यू। और रेगुलरली मैं देख रही हूँ इसको, बहुत ही इंफॉर्मेशन मिल रही है डॉक्टर साहब के दुकान में। तो अभी जो है वो डॉक्टर सबक साहब से मुझे एक दो क्वेश्चन करने हैं, कुछ मसला चल रहा था मेरे साथ। जी जी। तो जी तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि थोड़ा मेरा जो है मैं भी तो प्रॉब्लम है कि मुझे चीजें भूल बहुत जल्दी जाती है। भूल जाती है, याददाश्त कमजोर, याददाश्त कमजोर है, ये प्रॉब्लम है काफी ज्यादा मेरे साथ। जी। और दूसरी बात ये है कि गुस्सा भी बहुत ज्यादा जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी बात पे अचानक से जो है गुस्सा आ जाता है और कंट्रोल नहीं हो सकता उसको। इतनी प्रॉब्लम है। और साथ में जो है वो यही है कि अचानक से जो है ना एक वहम का जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई काम कर लिया मसलन, फौरी तौर पर अगर हाथ धोए, खाना खाने लगे, फिर थोड़ी देर बाद मुझे वो वहम होने लग जाए कि नहीं मैंने दोबारा से हाथ धोने हैं, अभी ये करना है। अच्छा, अच्छा। इस तरह से और बहुत से इस तरह के जो काम होते हैं जो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ये रहता है कि नहीं अभी ये काम नहीं किया। एक तरह का जो है ना हर काम में एक वहम और इस तरह का जो है ना एक कंडीशन जो है वो मेरे साथ रहती है। सही। तो ये इसको अगर आप तो ख्याल कर रहे तो ये मसला किस तरह किया जा सकता है? ठीक है, बिल्कुल। आप ऑन एयर सुन सकती हैं, आपको ऑन एयर आपका जवाब देते हैं। आप टीवी ऑन करके आप आराम से सुनिए, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ओके, अल्लाह हाफिज। तीन चीजें जी, जी वहम, वहम और वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। चलो अच्छा, कॉल भी ऐसे आई जो कि हम जिस पे बात कर रहे थे वो इस तरह के जी भूल जाती है, गुस्सा और वहम। नहीं, वहम के पीछे भी कोई आजकल जो है ना ऐसा नहीं है, वहम का भी इलाज है। तो वहम जो है ना उसका इलाज है। अच्छा। क्योंकि साइकोलॉजी ने इतने तरक्की की है, पैरासाइकोलॉजी इसने इतनी तरक्की की है कि वहम का इलाज, इन्होंने बताया ना जो इनके साथ प्रॉब्लम है हाथ धोने वाला। वहम एक ऐसी चीज होते है, वहम जिस तरह के मसलन हम यहाँ पर बैठे हुए कि वो कोई ऐसा कुछ लाइट ना जाए, अब बेजा खौफ है, लाइट अगर जाना है तो जाएगी, तो फिर जरूरत ही नहीं। या ऐसे है कि मसलन बच्चा, अभी हम इधर हैं, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकले होंगे, कोई वो खुदा ना करता वो नहीं हुआ होगा, हम कोई काम सही तरीके से नहीं करते। और या फिर हम बच्चों को भी इस तरह डराते हैं, बच्चों को कहते हैं आपने सड़क को पार नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, खौफ में मुबतला करके वो उनकी खुद इतमादी और कम हो जाती है। वहम जो है ऐसा चीज़ें हैं जो कि वहम यानी जिसकी हकीकत नहीं है, जिस चीज़ की हकीकत या है यानी, लेकिन आपको ऐसा अनजाने में खौफ, खौफ जिसे कह सकते हैं, वहम कह सकते हैं, मेरे ख्याल दोनों की मीनिंग एक ही है, खौफ और वहम के। हाँ मेरे ख्याल में मतलब अगर आप देखें तो वो वहम जो होता है वो आपके लाशऊर में से कहीं से कुछ एक चीज जो है वो तो इस तरह के इंसान को कभी कभी ये रहते हैं कि ओहो ये ना हो जाए मेरे साथ, मेरे चोर ना आए, घर तबाह ना हो जाए, या कोई मकसद बिजनेस तबाह ना हो जाए, या कुछ ऐसे हालात खराब ना हो जाए, या किसी से अगर मैं मिलूं तो ये ना हो जाए, या किससे अगर बात करूं तो फिर ये ना हो जाए, गाड़ी चलाऊं तो एक्सीडेंट ना हो जाए, मोटरसाइकिल पे जाऊं तो गिर ना जाए, ये इस तरह के। अच्छा ये जो एक डॉक्टर साहब एक वहम होते हैं और एक जो होती है ये सुपरस्टिशियस चीजें, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई तो कहीं ये हो जाएगा, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, या कुछ इस तरह की सब इसी में आ जाता है, बेजा खौफ में आते हैं वहम। तो वहम का इलाज ये है कि आप क्लियर करें उस चीज को कि देखें कुछ तो ऐसा होता है, लाइफ है, जाहिर है कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आपका फोकस हो ज़्यादातर खूबियों पे, अच्छाइयों पे जब आपके फोकस होते हैं तो आप राइट साइड पे जाते हैं। जब आपके इस तरह के वहम, खौफ, डर और बुराइयों पे आपका फोकस है तो आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ज़रूर आप उसमें जाएंगे, जो डर गए वो मर गए, बिल्कुल सही काम। तो इसलिए ऐसा है जो कि साइकोलॉजी, ये बहुत पुराना जो एक मिसाल है कि जो डर गए मर गए, हम ऐसे ही कहते हैं मजाक में कभी, लेकिन इसकी पीछे एक पूरा फलसफा है।
और पूरा नॉलेज है, दुनिया है इसके पीछे। तो बात यह है कि हकीकत में हमने खुद आजमाया। मैंने मेरे अपने स्टूडेंट को मैंने आजमा के दिए कि हम अगर एक तख्ती जमीन पे रखें, उस पे आप सब चलें, और अगर एक तख्ती ऊपर रखें हम छत के ऊपर, कोई ऐसा दो रास्ते बना के यहाँ से और यहाँ से तख्ती रख के उसको जो नीचे बहुत जो है ना एक चकोर हो या कोई बड़ा सा जगह से आप बिल्डिंग से गुजरते हैं या कैसे, तो आपको मुमकिन नहीं होगा क्योंकि गिर जाएंगे आप, क्योंकि वहम की वह खौफ की वजह से गिर जाएंगे। लेकिन अगर ज़मीन पे उस को तख्ती को रखा जाए तो आप उस पर चलेंगे और आप बग़ैर खौफ के आप बड़े ज़बरदस्त और आप बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो बात यह है कि गिरना जो है या लाइफ का ख़राब होना डर की वजह से, खुद इतमादी कम होने की वजह से, बेजा खौफ और ये अनजाना खौफ वहम, इसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए तरक्की नहीं करता इंसान, जितना बुराई पे फोकस उतना ही बुराई की तरफ आप जाएंगे, कामयाब नहीं होंगे। मतलब इसका ये है कि आपका कहना ये है कि जो ये एक मुहावरा था कि वहम का इलाज जो है वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो आप जो है वो कह रहे हैं कि वहम का इलाज हो सकता है अगर इंसान खुद अपना अपने बारे में कौन कहता है कि लुकमान हकीम के पास नहीं था, ये तो ऐसा एक मुहावरा है, एक ऐसी बात। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है और हर बीमारी का इलाज है, लेकिन हमें वहम जो है ढूंढना है, खौफ है ना, हमें ढूंढना है। हाँ, खौफ का जो है वो तो कोई इलाज तो है ही नहीं ना। और देखिए आप किसी को बता दें तो लुकमान हकीम की बात करें, मेडिसिन तो खौफ दूर नहीं होते है ना। नहीं, आप लुकमान हकीम की बात करें तो मेडिसिन से तो खौफ दूर नहीं होते, लेकिन लुकमान हकीम जो था उन्होंने कुछ ऐसी तरीके बगैर मेडिसिन के भी इस्तेमाल करते थे, बगैर मेडिसिन। तो मेडिसिन से तो खौफ का इलाज नहीं है, वो तो आपको ट्रैंक्विलाइजर देंगे और आपको और दे आप गनुदगी में जाएंगे, उसके आदि बन जाएंगे। खौफ जो है हमारे अंदर हमारे अनकॉन्शियस में कुछ ऐसे जो है ना एनर्जी है, ऐसे अनवांटेड एनर्जी है, नाकस एनर्जी है, जो कि हम उसको रिमूव करके हम खौफ को वहम को सब कुछ को रिमूव कर सकते हैं, अपने जहन से दूर कर सकते हैं, हम बहुत बड़ी पावरफुल इंसान बन सकते हैं। तो समुदाय एनर्जी उस वक्त काम आते हैं जब इस तरह के हालात हो और इस तरह की वहम खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ और चड़चड़ापन, ये चीजें तमाम के तमाम समुदाय हीलिंग इसका इलाज है। टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, और बड़ी अच्छी और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आज भी हमें मिली है। होपफुली आप लोगों के भी काम आएगी, और आप लोग जो है वो डॉक्टर साहब से कॉन्टेक्ट कीजिए अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या आपको कोर्सेज करना चाहते हैं समदा के, तो आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। हम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे कल फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। कल भी अपने कुछ नए सेगमेंट्स के साथ हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ और अब्दाका।